सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानने वाले हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में। बहुत ही ऑथेंटिक तरीका यानी जेन्युइन तरीका हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट करके इसको ऑपरेट करके भी हम लोग जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इसमें एक एक जो इसका डायग्राम है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक वायरिंग को हम लोग क्लेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक बने रहे। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग पावर वायरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो पावर वायरिंग में हम लोग पहले ये थ्री फेज प्लस न्यूट्रल लेंगे, 440 वोल्ट एसी वोल्टेज लेंगे। एंड इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पावर वायरिंग करेंगे। पावर वायरिंग के दरमियान हम लोग को एक ही चीज़ का केयर करना पड़ता है, जो कि एक रिवर्स और ये जो फॉरवर्ड स्टार्टर होता है उसमें दो कॉन्टैक्टर यूज किया जाता है। दोनों कॉन्टैक्टर में अगर एक तरफ अगर लाइक वन साइड अगर आप बी लेते हैं तो उधर में थ्री साइड बी लेना पड़ेगा, यानी आर वाई बी को चेंजेस करना पड़ता है। देन जो मोटर जो है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर वर्किंग में आता है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग जो कॉन्टैक्टर वन में हम लोग आर इधर डाला और कॉन्टैक्टर टू में आर यानी अपोजिट साइड डाला। देन हम लोग एक ओएलआर ले लिया, ओवरलोड रिले, एक मोटर भी ले लिया हूँ। देन अभी इसमें हम लोग कुछ पावर का जो ये वायरिंग है वो थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि इसमें मोटर में हम लोग को लूप करना बैलेंस बाकी है। तो हम लोग ये जो मोटर का जो लूपिंग है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देते हैं। तो ये मोटर का जो ये वायरिंग है ये दोनों कॉन्टैक्टर का एक ही साथ हम लोग इसमें लूप कर सकते हैं, नो इशू। या तो आप ये कॉन्टैक्टर में लेके आ जाइए, नहीं तो आप वो कॉन्टैक्टर में लेके जा सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग एक यानी फर्स्ट जो ये फॉरवर्ड है फॉरवर्ड की तरफ से थ्री वायर ला करके और इसमें कनेक्ट कर चुके हैं। एंड अब रिवर्स का जो है रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो ये पावर वायरिंग है इसमें हम लोग तीनों का इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कनेक्ट कर चुके हैं और अभी बच गया ब्लू। अभी यहाँ पे हम लोग चेंज किए फेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे कलर मैच करना था, इसलिए हम लोग इसमें कलर जो है आप लोगों को दिखाने के लिए चेंज किया हूँ। अदरवाइज आप चाहे तो चेंज नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी ये होगा, वर्क करेगा। एंड सभी जगह हम लोग इसको ज्वाइंट कर दें क्योंकि इसको हम लोग वर्किंग करके देखने वाले हैं, इसको लाइव इसमें वर्किंग में है कि नहीं वो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंट्रोल वायरिंग के लिए हम लोग न्यूट्रल ले लिए, न्यूट्रल को हम लोग A2 में लगा देंगे, जो कि कॉन्टैक्टर का कॉइल है A2 टर्मिनल उसमें लगा देंगे। और A1 का जो है A1 में लगा दिए, A2 से जो NC जो कॉन्टैक्टर का जो NC है उससे हम लोग कॉन्टैक्ट कर दिए और इधर का NC से उधर का A2 में कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, तो इधर का A2 को हम लोग इधर NC थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि डायग्राम ज़्यादा वो हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दैट्स वाई हम लोग इसको थोड़ा सा राउंड करके घुमा दिए हैं। देन हम लोग एक फेस ले करके और जो ओवरलोड रिले है ओवरलोड रिले है OLR है, OLR को हम NC में लगाएंगे जो कि 96-97 आता है। एंड उसका जो NC से जो आउट जाएगा वो जो पुश बटन का रेड में हम लोग डालेंगे, यानी जो स्टॉप पुश बटन होता है उसमें डालेंगे। और स्टॉप पुश बटन से जो आउट होगा यानी NC से जो आउट होगा दोनों NO जो होता है लाइक रिवर्स के लिए और फॉरवर्ड के लिए दोनों में हम लोग लूप कर देंगे। और वहाँ से लूप करके और हम लोग इसको यूज करने वाले हैं NO टर्मिनल यूज करने वाले हैं, नॉर्मल जो ओपन टर्मिनल है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो नॉर्मल ओपन जो है वहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट को हम लोग फिर से एक रिवर्स जो स्टार्टर का जो पुश बटन है रिवर्स स्टार्टर के लिए जो यूज किया जाएगा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए उसमें हम लोग इसको कनेक्ट किए। ओके, देन आफ्टर अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, आगे के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप लेंगे लाइक जो NO टर्मिनल था रिवर्स से वहाँ से लूप ले करके और फॉरवर्ड का जो NC जो है टर्मिनल उसमें हम लोग यूज किए। और फॉरवर्ड का NC टर्मिनल यूज करने के बाद हम लोग क्या किए, फॉरवर्ड का जो NO टर्मिनल है वहाँ से एक वायर लिए और जो फॉरवर्ड का जो स्टार्ट पुश बटन है उसमें हम लोग यूज किया हूँ। ओके, सो NC को हम लोग जो फॉरवर्ड का जो NC है उसको हम लोग फॉरवर्ड का स्विच बटन में यूज किया। देन हम लोग जो रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है वहाँ से हम लोग NO से लिया और फॉरवर्ड का जो NO है टर्मिनल उसमें हम लोग यूज किए हैं यानी लूप किए हैं। आप चाहे तो एक शॉर्टकट यानी जो भी अगर कोई शटर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप अपना हिसाब से लगा सकते हैं लाइक जो वायरिंग का जो डायग्राम है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा को कनेक्शन भी यानी कि
पूरा जो टर्मिनल कनेक्ट है वो हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं। देन हम लोग इसको लाइव टेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं। एक हमारा वायर मिसमैच हो गया था तो इसमें हम लोग जो NC कॉन्टैक्टर है उसमें लगाया गया ताकि ये होल्ड होने में काम आएगा। सो इस प्रकार से अभी मोटर जो फॉरवर्ड स्टार्ट हुआ, देन ये रिवर्स स्टार्ट होगा एंड इस प्रकार से हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड को स्टार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्किंग है यानी कि कुछ इसमें ऑथेंटिक हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। तो अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।